नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने अब एक नया रूल निकाला है जिसमें आपको अपना वोटर आईडी कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने यह रूल फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने से रोकने के लिए निकाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और वोटर हेल्पलाइन लिख के सर्च करना है और दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। वोटर हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन की ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों एक डिस्क्लेमर खुल के आ जाएगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे यहां राइट साइड में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहां से आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहां से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से ये ऐप खुल जाएगी। यहां पर दोस्तों आपको इस पहले वाले ऑप्शन वोटर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको यहां पर लास्ट वाले ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से खुल जाएगा ये। यहां नीचे आपको लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर लेना है पहले। इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको सेंड OTP का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर और दूसरा है नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पहले वाले ऑप्शन यस आई हैव वोटर आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे से यहां पर आपको दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपसे आपका वोटर आईडी नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी नंबर भर लेना है पहले। इसके बाद दोस्तों यहाँ सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फेस डिटेल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटायर वोटर आईडी, प्लीज क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड की सारी डिटेल आ जाएगी, तो इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर ये सही है तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ नीचे आपको आधार नंबर भरने का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें आपको अपना आधार नंबर भर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन और दिखाई देंगे, पहला है मोबाइल नंबर भरने का और दूसरा है ईमेल आईडी भरने का और तीसरा है पैलेस भरने का कि कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर भर लेना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर लेनी है और इसके बाद जगह का नाम भर देना है कि कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ये डिटेल भर लेता हूँ पहले। तो ये तीनों डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको डन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, तो एक बार इसको चेक कर लेना है और अगर ये सारी डिटेल सही है तो यहाँ नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आपके एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट और एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आपको दिख जाएगा, तो इसको दोस्तों यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, जो सेवा 1 अगस्त 2022 से शुरू हो चुकी है और आप जितना जल्दी अपना वोटर आईडी कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कर लेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।